Greetings to all and welcome back to my channel that is Commons Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the features of statistics in singular sense. And today we are going to discuss scope of statistics. Scope of statistics may be classified into following parts. First one is nature, second one is subject matter, and the third one is limitations. In today's lecture, we will discuss nature and subject matter. एंड द लिमिटेशन वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ देखो बेसिकली नेचर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो स्टेटिस्टिक्स है वेदर इट इज साइंस और इट अ आर्ट क्लियर देखो साइंस क्या होता है कोई भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है दैट इज कॉल्ड साइंस और आर्ट क्या होता है आप किसी भी थोरेटिकल नॉलेज का जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं स्किलफुली Then it is called as art. तो हमें चेक यहां पर ये करना होता है कि क्या स्टेटिस्टिक्स आर्ट है या फिर साइंस है या फिर बोथ है क्लियर देखो द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ आर्ट स्टेटिस्टिक्स इज टू फाइंड आउट वेदर इट इज साइंस और आर्ट एज अस स्टेटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन अस्टेमेटिक मैनर एंड एज एन आर्ट इट मेक्स यूज ऑफ द डेटा टू सॉल्व द प्रॉब ऑफ रियल लाइफ देखो जनरली क्या बोला गया है कि अगर हम साइंस की तरह ट्रीट करें स्टैटिस्टिक्स को तो स्टैटिस्टिक्स क्या है एज अ साइंस ये जस्ट एक न्यूमेरिकल डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी करता है इसीलिए हम इसे बोलते हैं साइंस और अगर हम एज एन आर्ट की बात करें तो जितने भी हमारे पास अवेलेबल डेटा है जो हमने कलेक्ट करे हैं ये उन डेटा को यूज करता है सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ ठीक है अब कुछ ऑथर्स ने बोला है कि ये साइंस है कुछ ऑथर्स ने बोला है ये आर्ट है बट तिब्बत से आर्ट इट इज अ साइंस एज इट्स मेथड्स आर बेसिकली सिस्टमेटिक एंड हैव जनरल एप्लीकेशंस देखो साइंस की फीचर्स ही यही होती हैं कि वो क्या हो सिस्टमेटिक मैनर में हो प्लस उनका जनरली यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए अगर कुछ फीचर्स आपकी जो साइंस की हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है सेटिस्फाई हो जाती हैं स्टैट्स के अंदर देन वी विल कॉल द स्टेटस्टिक्स एज अ साइंस और ये तिब्बत ने बोला है कि ये आपकी सेटिस्फाई होती हैं क्लियर एंड इट इज एन आर्ट एज इट्स सक्सेसफुल एप्लीकेशन डिपेंड्स टू अ कंसिडरेबल डिग्री ऑन द स्किल एंड स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ अटैटिशियन ठीक है जो भी स्टैट्स को कलेक्ट कर रहा है या स्टैट्स को मेंटेन करता है उसकी पर्सनल क्या स्किल है पर्सनली क्या स्पेशल एक्सपीरियंस है वो कैसे अप्लाई करता है डेटा को सो so दैट वो एक रिलायबल कंक्लूजन तक पहुंच सके ठीक है डिसीजन तक पहुँच सके तो इसीलिए हम बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स आपकी साइंस भी है एंड आर्ट भी होती सिंपल है. है देखो नेचर में देखो हमने सिंपली यही फाइंड आउट करना था कि क्या आपका स्टेटिस्टिक्स साइंस है या फिर आर्ट है बट एक ऑथर है हमारे तिब्बित उन्होंने क्या बोला है स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट क्लियर अब साइंस क्यों है रीजन बींग बिकॉज जो इसके मेथड्स हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक है और उन सभी मेथड्स का जनरल एप्लीकेशन है हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर सिचुएशन होगी तभी आप इनके मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं नो इट इज नॉट लाइक दैट और साइंस क्यों है क्योंकि इसका जो सक्सेसफुल एप्लीकेशन है वो डिपेंड करता है कि जो आपका स्टेटिस्टिशियन है उसकी क्या स्किल्स है उनका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही तो आर्ट होता है क्लियर चलो सेकंड स्कोप में क्या आ रहा है आपके सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? मींस जब आप स्टेटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या क्या आप स्टडी करने वाले हैं देखो सब्जेक्ट मैटर को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज इंफ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स चलो अब देखो डिस्क्रिप्टिव क्या बता रहा है आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा होगा कि जस्ट आपने डेटा को डिस्क्राइब करना है ठीक है और इन्फ्लुएंशियल क्या होता है कि जब आप मतलब इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है इसमें कुछ मेथड्स होते हैं जिसको यूज करके हम कंक्लूजन तक पहुँचते हैं ठीक है इसमें कुछ मेथड्स हैं हम क्या करते हैं सैम्पल के बेसिस पे पॉपुलेशन के बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं हम इंफ्रेंसिस निकालते हैं मीन्स हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ठीक है ठीके? चलो अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एज द नेम सजेस्ट द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक मियरली डिस्क्राइब द डेटा एंड कंसिस्ट ऑफ द मेथड एंड टेक्निक्स कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इनऑर्डर टू डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स एंड करेक्टर सिंपल आपने क्या करना है इस स्टेटिस्टिक्स के अंदर मीन्स इस टाइप की जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है इसमें आप क्या करते हैं जस्ट आपने डेटा को एक्सप्लेन करना है कि हमारा डेटा बोल क्या रहा है क्लियर देखो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम like, लाइक आपके प्राइजेज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबने स्टडी किया हुआ है कि अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होते हैं राइट right? तो उसकी डिमांड क्या होती है फॉल अगर प्राइजेस फॉल होते हैं देन इनवर्सली उनकी डिमांड राइज हो जाती है तो जस्ट आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्राइजेस के बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है और प्राइजेस के कम होने पर डिमांड हाई जा रही है तो ये क्या है जस्ट इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटस्टिक्स ठीक है चलो these methods can either be graphical or computational these data can be presented in the form of chart table or in order to show trends proportions maximum and minimum values etc now second one is inferential statistics inferential statistics deals with methods which helps in estimating the characteristics of population or making decisions concerning a population ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिजल्ट देखो अब क्वेश्चन राइज यहाँ पर ये होता है वट इज़ पॉपुलेशन और वट इज सैंपल देखो अगर हम सारे यूनिवर्स की बात करें देखो जनरल ने हमारे स्टार्ट्स में टू टर्म्स यूज होती हैं बहुत कॉमनली वर्ड्स हैं ये आपके सैंपल एज वेल एज पॉपुलेशन जब आप सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे कॉलेज में या हमारे यूनिवर्सिटी में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं वेदर इट इज अ साइंस स्ट्रीम आर्ट स्ट्रीम एनी स्ट्रीम ठीक है stream, 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 जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या है पॉपुलेशन है आप एग्रीगेट जब आप लेके चल रहे हो बट अगर आप उस पूरी पॉपुलेशन में से कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं देन इट मीन्स यू सेलेक्ट योर कलेक्ट योर सैम्पल ठीक है होल को जब आप कंसीडर कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन और जब आप उस पर्टिकुलर होल में से पॉपुलेशन में से कुछ पोशन सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ फ्रैक्शन सेगमेंट यूनिवर्स का आप कलेक्ट करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड अ सैंपल आई थिंक क्लियर हो गया होगा ठीक है तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में क्या बोला गया है कि आप सैंपल के बेसिस पर आप स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की और कुछ आप रिजल्ट्स पर पहुंचते हैं ठीक है इन्फ्रेंसेज निकालते हैं मीन्स कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं क्लियर अच्छा देखो इसमें क्या बोला गया कि सैंपल एंड पॉपुलेशन आर द टू रिलेटिव टर्म्स पॉपुलेशन इज ट्रीटेड एज अ यूनिवर्स पूरा यूनिवर्स क्या है आपका पॉपुलेशन एंड सैंपल इज फ्रैक्शन और सेगमेंट ऑफ यूनिवर्स उस पूरे यूनिवर्स का अगर आप कुछ पर्टिकुलर पोर्शन उठाते हैं कुछ पार्ट उठाते हैं देन इट इज कॉल्ड अ सैंपल द मेजर करेक्टिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल आर कॉल्ड सैंपल सॉरी द द मेजर ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर्स देखो जब आप सैंपल की स्टडी करते हैं तो आपके सामने कुछ सैंपल की फीचर्स आएंगी characteristics आएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं सैंपल स्टेटिस्टिक्स क्लियर बट जब आप पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो आपके सामने पॉपुलेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स आएंगी और उन करेक्टिस्टिक्स को हम बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स

सबसे पहले हम क्या करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर का जो अन नॉन पैरामीटर है पॉपुलेशन का उसको एस्टिमेट करते हैं कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स मीन्स सैंपल के करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं एस्टिमेट करते हैं क्लियर आई रिपीट सैंपल के स्टैटिस्टिक्स मीन्स सैंपल की करेक्टिस्टिक्स के बेसिस पर आप पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करते हैं ठीक है इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सपोज आप कुकिंग कर रहे हैं ठीक है आपने कुछ भी कुक किया है तो क्या आप सारा का सारा पहले टेस्ट लेके देखते हैं कि उसमें सब कुछ टेस्ट फ्लेवर्स ओके हैं या आप उसमें से कुछ थोड़ा सा वन स्पून लेंगे और उस जो आपने वन स्पून लिया है वो आपका क्या हो गया सैम्पल हो गया पूरा जो आपने बनाया है कुकिंग की है वो आपके लिए क्या है पॉपुलेशन है तो आप उस पर्टिकुलर सैम्पल के बेसिस पर यह बताते हैं कि आपने जो भी कुक किया है वो सारा ओके है उसका आप एस्टिमेशन लगाते हैं क्लियर सेकेंड आता है टेस्टिंग वेदर द सैंपल डेटा हैव सफिशेंट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हाइपोथीसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर देखो हाइपोथीसिस क्या होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है ठीक है अब जब कुछ भी आप प्रूव करना चाहते हो तो आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लेते हो ठीक है आगे ये सारे टर्म्स बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे बट अभी हमने ये याद करना है कि हाइपोथीसिस क्या है इट इज़ जस्ट अ टेंटेटिव स्टेटमेंट आपने कुछ भी प्रूव करना है तो आप अपनी स्टेटमेंट बना रहे हो या तो आप कहेंगे ये मतलब फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में सपोज आपने बोला कि ये तो कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन ली हम बोलेंगे तो फेवर में जाने वाला है ठीक है तो वो क्या है आपका एक हाइपोथेसिस आपने बना लिया है अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आप ये चेक करते हो कि जो सैम्पल डेटा है क्या उसके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंसेस हैं आपके पास कि आप उसे सपोर्ट कर सको या रिजेक्ट कर सको अपने हाइपोथीसिस को ठीक है थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है बट आपको आगे आगे क्लियर होते जाएंगे ठीक है देखो एक बार रिपीट करते हैं इन्फ्एंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं टू मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ अननोन पैरामीटर्स ऑफ अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज टेस्टिंग वेदर द सैंपल डेटा हैव सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट अ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सबको इतना लिमिटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी ठीक है आई होप यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो थैंक्स एंड हैवंडरफुल डे